आज हम आपके लिए लेके आए बर्वन फ्रेंड्स लॉ फर्म गुजरात के फोन से आपके लिए आर्टिकल 55 QSO 1984 लेक्चर नंबर 21 है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल 55 है उसके बारे में। इससे पहले हम आर्टिकल 54 तक हमारे 20 लेक्चर जो हो चुके हैं और पीडीएफ फाइल भी काफी सारे दोस्तों के साथ हमने शेयर की है। बहुत सारे दोस्तों को ये होता है कि पीडीएफ फाइल इन टाइम नहीं मिल पा रही, तो उसमें कुछ इश्यूज ऐसे बस टेक्निकल आ जाने की वजह से हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा उस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब लायर ऑनलाइन एंड आल्सो शेयर ऑन व्हाट्सएप और एनी अदर सोशल मीडिया इंक्लूडिंग फेसबुक एटसेट्रा। उसमें दोस्तों को बताएंगे कि ये जो लीगल मामला हैं या जो आप कह रहे हैं कि कर्म निशाद 1984 में जैसे हमने लेक्चर शुरू किए हैं, इसके अलावा मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में यानी कि लॉ की फील्ड के डिफरेंट लेक्चर इंशाल्लाह जो कुछ आ चुके हैं कुछ मजीद आएंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा लाजमी जी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। Let's move forward towards our lecture. This is Article 55. Relevancy of certain judgments in probate, etc. jurisdiction. ऐसे मामलात, ऐसी judgments जो वसीयत में, जो शादी के मामलात में, admiralty में, insolvent किसी को declare करने के सिलसिले में, इस तरह की जो जितनी proceedings हैं, उनमें जो lecture, जो judgments हैं, जो degree है, जो order है, उसकी क्या value होती है, ये आज हम discuss करेंगे। A final judgment, सबसे पहला word, a final judgment, कि हमेशा हम जब बात कर रहे हैं Article 55 में, तो final judgment, order or degree of a competent court, किसी competent court की कोई भी final judgment, order या degree, किस तरह की in the exercise of a probate, यानी कि कोई वसीयत के मामलात के related हो, matrimonial, शादी के मामलात के related हो, admiralty या insolvency, जो insolvent किसी को declare करने के हवाले से हो, jurisdiction which confers upon जो या तो किसी को इस काबिल करते हैं कि उसको क्या कोई कंफर्म मतलब होता है किसी के ऊपर कोई चीज किसी को अनायत कर देना, लागू कर देना, नाफिज कर देना, और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन या उस किसी चीज से कोई चीज ले लेना, क्या ले लेना, एनी लीगल करैक्टर, कोई उसकी जो कानूनी शनाख्त है वो, और विच डिक्लेयर्स या जो डिक्लेयर करे एनी पर्सन किसी भी आदमी को टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच करैक्टर, यानी कि कोई लीगल एंटिटी दे दे, कोई नई लीगल शख्सियत, कोई नई लीगल शनाख्त दे दे, तो उस हवाले से और टू एंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक थिंग या कोई मखसूस चीज उसके हवाले कर दे, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, वो जो किसी खास शख्स के की हद तक नहीं होगी, किसी खास शख्स के लिए वो चीज नहीं दी जाती बल्कि पूरी दुनिया के लिए होती है। अगर ये चीज है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने प्रोबेट की बात करें, तो अगर वसीयत में कोई चीज ऐसी आती है तो वो एक बंदा वसीयत में उसको कोई चीज मिल जाती है या वसीयत में उससे कोई चीज चली जाती है, अगर मेरी चीज फलां बंदे के पास है उससे लेके फलां बंदे को दे दो, एक बंदे से चीज ले ली गई, लीगली उसको डिसएंटाइटल कर दिया गया, उससे ले ली गई, दूसरे को दे दी गई, या मियां बीवी का रिश्ता है, कोई मैट्रिमोनियल कोई डिवोर्स का मामला है, यानी कि इस जजमेंट ऑर्डर या डिग्री से पहले आपस में मियां बीवी थे, अब वो मियां बीवी नहीं रहे, या कोई ऐसा केस जिसमें ये चीज हो कि जी पहले वो मियां बीवी नहीं थे, इस फैसले की रोशनी में साबित हो गया कि वो आपस में वैलिडली निकाह था उनका और वो मियां बीवी थे, या इसी तरह इंसॉल्वेंट डिक्लेरेशन के हवाले से, तो उसमें कहता है नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, वो किसी खास बंदे के खिलाफ, तो अगर ए बी पे दावा करता है किसी खास चीज को लेने के लिए, तो वो उस बंदे की हद तक उसके राइट्स की बात हो रही है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, ये जो चारों आपने बातें की हैं प्रोबेट के बारे से, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी या इंसॉल्वेंसी, ये ऐसी चीजें हैं जो जनरल पब्लिक के लिए होती है, जनरल पूरी दुनिया के खिलाफ होती है, आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को ये चीज होती है कि हर बंदे के मामले में कि जनाब ये राइट इसका है या ये राइट इससे ले लिया गया है। Is relevant when the existence of any such legal character or the right of any such person to any such thing is relevant. जब बात आएगी उस जो कानूनी शनाख्त उसको मिली है या जो नई कानूनी शख्सियत वो मुकाम उसको हासिल हुआ है उसकी बात होगी, या जब किसी ऐसे राइट की बात होगी, तो जब भी ये चीजें डिस्कस होंगी तो उस जजमेंट जो है जो फाइनल जजमेंट होगी, डिग्री होगी या ऑर्डर होगी ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट अबाउट while deciding the matter of jurisdiction regarding probate, matrimonial, admiralty or insolvency, तो वो ये judgment जो होगी जब
इन चारों मामलों पे तो वो रेलेवेंट होगी। क्या कहते हैं जी, सब जजमेंट ऑर्डर डिग्री कंक्लूसिव प्रूफ, ऐसी जो जजमेंट होगी, जो डिग्री होगी या जो ऑर्डर होगा वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा इस चीज का, वो बिल्कुल ठोस तौर पे साबित करेगा। किस चीज को साबित करेगा? नंबर 1, दैट एनी लीगल करैक्टर व्हिच इट कॉन्फर्स एक्रूड एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर और डिग्री कम इनटू ऑपरेशन। तो ये चीज साबित करेगा कि ये जो लीगल करैक्टर है, ये उसको कानूनी शिनाख्त है, ये उस वक्त अमल में आ चुकी है जब ये डिग्री हो गई है, जब ये जजमेंट आ गई। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर करवाता है या डिक्लेयर हो जाता है, तो वो उस जजमेंट के आने के बाद वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। इसी तरह दैट एनी लीगल करैक्टर टू व्हिच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी एंटाइटल्ड, दैट एनी लीगल करैक्टर टू व्हिच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी एंटाइटल्ड accrued to the person at the time when such judgment order or decree declares it have to accrued to that person. समझा रहे हैं? क्या बात है इसमें? पहले कि कहने के लिए legal character which it confers accrued at the time when such judgment, यानी कि जो उसने किसी को कोई नई शिनाख्त उस फैसले ने दे दी, तो उसकी वो शिनाख्त उस दिन से आ गई जब वो judgment decree order पास हो गया। या that any legal character which it declares, या अगर किसी को उसने कोई चीज डिक्लेयर की कि ये वो फला है, ये आज से आपकी बीवी नहीं है, ये आज से आप मतलब आप दोनों का रिश्ता जो है वो मियां बीवी का है जी, या कोई भी ऐसी चीज, तो वो उस दिन से होगी जब से मतलब सच जजमेंट डिग्री ऑर्डर आया, वो उससे शुरू। दैट एनी लीगल करैक्टर व्हिच इट टेक्स दैट एनी लीगल करैक्टर व्हिच इट टेक्स अवे फ्रॉम एनी सच पर्सन सीज्ड एट द टाइम फ्रॉम सच जजमेंट ऑर्डर और डिग्री डिक्लेयर्ड दैट इट हैड सीज्ड और शुड सीज। तीन चीजों की बात की है। एक तो उन्होंने कहा कि कोई भी लीगल करैक्टर जो ये कंसर्न करता है उस पे किसी को कोई चीज किसी चीज से नवाजता है, तो फिर उस दिन से वो चीज उसकी होगी इस जजमेंट की रोशनी में, डिग्री या ऑर्डर की रोशनी। या अगर कोई चीज किसी को नई शिनाख्त देता है, तो वो शिनाख्त उस दिन से होगी जब से वो जजमेंट डिग्री आ गई। या अगर कोई चीज किसी से ले लेता है, तो वो उस दिन से उससे चली गई, रुक गई, उसका उसके ऊपर अब कोई राइट नहीं रहा, या उसकी वो शिनाख्त खत्म हो गई, मियां बीवी का रिश्ता डाइवोर्स हो गई, जब जजमेंट डिग्री ऑर्डर जो भी डाइवोर्स का मामला आ गया, तो मैट्रिमोनियल मामला में मियां बीवी उनका आपस में रिलेशन सीज हो गया फ्रॉम दैट जजमेंट, ठीक है। And that anything to which it declares any person to be so entitled was the property of that person at the time from which the judgment order or decree declares that it had been or should be this property. या अगर इस judgment order या decree के जरिए किसी की कोई property को declare किया जाता है कि ये किसकी आज से ये property, ये चीज इसकी है, ये नाम इसका है, ये copyright इसका है, ये trademark इसका है, तो वो उसी का हो गया, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल 55 में आपने कौन सी जजमेंट को डिस्कस करना है, कि जो jurisdiction of probate, matrimonial, admiralty और insolvency के हवाले से होंगी, और ये judgments हम उन judgments की क्या value है या उनकी क्या probability, sorry, और कब relevant है, irrelevant है, क्या है, ये हम आज इसमें पढ़ रहे हैं इसमें साथ। तो article 55 ने फिर दोबारा मैं इसको थोड़ा repeat कर देता हूँ, फिर हम important points की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कहा article 55 में, क्या समझ आई आपको कि relevancy बताई कौन सी of certain judgments, कौन सी judgment in probate, matrimonial, admiralty, एडमिरिटी और इंसॉल्वेंसी, ये जजमेंट के लिए क्या शर्त है कि वो किसी कंपिटेंट कोर्ट की होनी चाहिए, जजमेंट ऑर्डर या डिग्री जो भी है वो किसी कंपिटेंट कोर्ट की, ये इसमें शर्त है, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं कि दिस आर्टिकल इज एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 की एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है, जो उसमें लिखा गया वो इसमें। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से जो जजमेंट फर्स्ट मैं आपके सामने रखने लगा हूं वो है सुप्रीम कोर्ट की 1996 एससीएमआर पेज 218 एससीएमआर पेज 218 इसको नोट करें। ये वो जजमेंट है जिसमें उन्होंने इसकी स्कोप, इसकी क्या है, जो एप्लीकेबिलिटी है कि कहां कहां पे ये लागू होता है, वो सारा मुकम्मल तौर पे इसमें डिस्कस कर दिया, समझ आ रही है। अप्रूवल ऑफ आर्टिकल 55 एंड 56 इंडिकेट्स दैट अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिग्री ऑफ अ कंपिटेंट कोर्ट पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट और मैट्रिमोनियल और एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन व्हिच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे from any person any legal character or which declares any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specific thing not as against any specific but वही जिस जो आपने पूरा सचु बना है उसी को ये एंडोर्स कर रहे हैं। इसी तरह एक जगह पे पीएलजी 1975 कराची पेज 978 है, ये इसमें बड़ी डिटेल से ये कहता है कि आर्टिकल 55 डील्स विद व्हाट आर कॉमनली नोन एज जजमेंट इन रेम, ऐसी जजमेंट्स जजमेंट इन रेम, इसका क्या मतलब होगा, एक वर्ड है ये जजमेंट इन रेम, इसका मतलब होता है कि जनरल पब्लिक के अगेंस्ट वो जजमेंट है, जनरल
पब्लिक के अगेंस्ट, अगर ये चीज डिक्लेयर वेल्थ के लिए इंस्टॉलमेंट है वो पूरी दुनिया के लिए है, किसी खास बंदे की अलग से इंस्टॉलमेंट नहीं होता, कोई भी बंदा अगर डिक्लेयर होता है या कोई भी मियां बीवी का कोई रिश्ता है जब वो बनता है तो पूरी दुनिया के लिए बनता है, जब टूटता है तो पूरी दुनिया के लिए वो सामने वो पूरी मतलब वो टूट गया या जो भी सारा प्रोसेस हो गया। तो इसमें उन्होंने क्या कि ये डील करता है आर्टिकल 55 चार पॉइंट्स के वजह से, मैंने आपको सामने चीजें रखी है, एक तो प्रोबेट प्रोसीडिंग्स, दूसरा जी एडमिरल्टी, उसके बाद आगे जी मैट्रिमोनियल, और इंसॉल्वेंसी। तो ये जो जजमेंट्स होती हैं इस तरह के मामला तो जजमेंट एंड रैम होती है, एक जजमेंट एंड रैम, एक जजमेंट एंड पर्सनल, दो चीजें आप ध्यान में रखें, ठीक है जी। जजमेंट एंड रैम, जजमेंट एंड पर्सनल, जजमेंट एंड रैम जो पूरी दुनिया के खिलाफ होते हैं, जिसमें पूरी मतलब वो बंदे की जो शख्सियत है, जो राइट उसे मिल रहा है या जो राइट उसे दिया जा रहा है या जो परमिशन आपको उसको दी जा रही है या जो परमिशन आपको उसे दी जा रही है, वो पूरी दुनिया के अगेंस्ट होती है। ऐसी जजमेंट्स कौन सी होती हैं? वो होती हैं जजमेंट एंड रैंक, और ऐसी जजमेंट्स, ऐसी डिग्री, ऐसा ऑर्डर जो किसी खास शख्स के खिलाफ हो। फॉर एग्जाम्पल टीकुशा जी, मैं आपके खिलाफ कोई केस फाइल करता हूँ, मैं वो उस केस में मैं कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई भी मौका करने के लिए मैं अगर वो विन करता हूँ या आप विन कर जाते हैं, तो दिस इज द जजमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दिस जजमेंट इज नॉट अगेंस्ट द एंड रैंक, जजमेंट इन रैंक नहीं होगी, क्यों सर? ये जजमेंट इन पर्सनल होगी, ठीक है, एक खास शख्स के खिलाफ, ठीक है, जजमेंट इन पर्सनल स्पेसिफाइड होगी किसी खास शख्स कबीले किसी के खास के खिलाफ, जजमेंट है जनरल पब्लिक के खिलाफ, वो आपको बुझी जा सकती होगी। तो ये बेसिकली इसमें मैंने कहा कि आर्टिकल 55 डील्स विद व्हाट आर कॉमनली नोन एज जजमेंट इन रैम को डील करता है, दे आर लिमिटेड इन स्कोप, इन द स्कोप बहुत कम है बट अनलिमिटेड इन फैक्ट, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, इसका असर बहुत बड़ा है। The determine the status of a person, ये किसी भी शख्स का स्टेटस मुतय्यन करती है, ऐसी जजमेंट्स और थिंग या किसी चीज का, एंड सच अ जजमेंट कंक्लूसिव एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट ऑल पर्संस, और ऐसी जो जजमेंट्स होती हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ होती हैं, मुकम्मल प्रूफ होती हैं, ये चीज बताने के लिए, किसी को भी दिखाने के लिए भाई ये चीज मेरी है तो मेरी है। आपको कब मिली फ्लॉक कोर्ट की जो जजमेंट थी वो इनमें से जनाब ये मेरा राइट है या ये राइट मुझे कानूनी शनाख्त मिली है या ये मेरा राइट चला गया, ठीक है। तो ये पीएल 975 कराची पेज 978 था। नेक्स्ट है जी 6 का कलकत्ता की जजमेंट है 171 फुल बेंच की, आर्टिकल 55 एडमिट्स जजमेंट इन रैम एज एविडेंस इन ऑल सबसीक्वेंट सूट्स वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट इज इन इशू वेदर बिटवीन द सेम पार्टीज आर नॉट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले हम लेक्चर में पढ़ते थे कि जजमेंट बिटवीन द सेम पार्टीज होनी चाहिए और वो सारा हमने प्रोसेस पढ़ा, इसमें उन्होंने कहते हैं कि इस तरह की जो जजमेंट होती है वो किसी भी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में किसी सब्सिक्वेंट सूट में वो आप पेश कर सकते हैं, रेलेवेंट होती है क्योंकि वो जजमेंट एंड रैम के तौर पे पब जनरल पब्लिक के लिए सब मामला होता है, चाहे वो पार्टी सेम हो ना हो उस जजमेंट में, ठीक है। इट इज एग्जॉस्टिव एज टू सच जजमेंट्स 1912 पुणे एलआर नंबर है पेज 157 और पेज 489 क्या कहते हैं, इट इज एग्जॉस्टिव एज टू सच जजमेंट्स, उस जजमेंट के हवाले से ये बड़ी एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट है नंबर 2 पॉइंट है अपना, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जजमेंट इन रैम एंड जजमेंट इन पर्सनल डिस्टिंक्शन के हवाले से, भाई वो बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, व्हाट इज जजमेंट इन रैम, व्हाट इज जजमेंट इन पर्सनल, ठीक है। अगर हमारा एक मतलब ये मोबाइल है जी, इसके लिए हमारा क्लैश बन जाता है ए और बी का, ए केस विन करके चीज ले जाता है तो ये उसके आते हैं, बात समझ आ रही है, उनके दोनों के इस जो जजमेंट होगी वो क्या होगी, जजमेंट इन पर्सनल होगी, जजमेंट एंड रैम वो होगी ऐसी चीज जो उसने जनरल पब्लिक के हवाले से हासिल की है, कोई अपनी शनाख्त, ठीक है, कोई अपना कोई चीज उसने हासिल की है, कोई चीज उसने खोई है, समझा गया मेरी बात, यानी कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए होता है, यानी कि जो जिस कंपनी के साथ या जिस बैंक के साथ या जिसके साथ उसके मामला था उसके हद तक नहीं, वो ऑल फॉर ऑल है। तो ये जजमेंट एंड रैम का पर जजमेंट्स में मैं आपको सुनने ये जजमेंट्स थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। एक जजमेंट है 1996 एसईएमआर 2 पेज 218, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, उन तमाम पॉइंट्स को मैंने अलग-अलग नोट किया है, ये तीन चार पॉइंट्स बनते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसी जजमेंट की रोशनी में देयर इज अ ब्रॉड डिस्टिंक्शन बिटवीन द इफेक्ट ऑफ अ जजमेंट एंड रैम एंड अ जजमेंट इन पर्सनल,
कहता है कि इन दोनों जजमेंट्स ने आपस में बहुत बड़ा आपस में इनका there's a broad distinction बहुत ज्यादा इनका आपस में फर्क है, ये और चीज टोटली और चीज बन जाती है। कैसे जी? A judgment renames in conclusion against the world as to the status of the rest, पूरी दुनिया ने ये उसका राइट साबित कर दी। A judgment personal is conclusive only between parties or privates, जो पार्टीज चल रही है सिर्फ उनकी आपस में बात। इसी जनरल में दूसरा पॉइंट, a decision in rem not merely declares the status of the person or thing, सिर्फ उसका स्टेटस डिक्लेयर नहीं करती ऐसी जनरल जो जनरल रेम है, but ipso facto renders it such as it is declared, उसको ये चीज समझ करती है कि ये तो शुरू से डिक्लेयर था मामला, ठीक है जी। इट इज declared thus a degree of divorce not only annuls the marriage but renders the wife him a soul, adjudication in bankruptcy not only declares but constitutes the debtor a bankrupt, a sentence in a prize court not merely declares the vessel prize but vests it in the captor, yani ki jo divorce ka case hai wo na to sirf ye cheez declare karte hai ki ye dono biyan bhi nahi rahe balki sath ye bhi kehta hai ki usko unmarried status mil jata hai, ya jab wo facebook pe ये या YouTube पे या सोशल मीडिया पे जब आप लिखते हैं इन रिलेशन, जब आप किसी के साथ आपका तलब होता है, कोई लव बनता है, कोई प्यार बनता है, जब तक वो टूटता नहीं है, जब तक वो आपस में वो क्या कहते हैं ना ब्रेकअप नहीं होता, उस वक्त तक आप लिखते हैं इन रिलेशन। जैसे ही वो टूट जाता है या मामला हो जाता है तो फौरी लोग सिंगल का स्टेटस लगा देते हैं, समझा रही है। इसी तरह अगर एक शख्स मैरिड है After divorce, वो सबसे पहले अनमैरिड का स्टेटस लगाता है, है? स्टेटस चेंज हो गया है, सीट ओपन हो गई जनरल पब्लिक के लिए, और किसी को कोई मूड है तो वो इलाज रहता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम टू सेम वही बात हो रही है इसमें। इसी तरह इसी जजमेंट में एक और पॉइंट है कि जजमेंट इन रैम इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ लॉ, दैट नो मैन शुड बी बाउंड बाय डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस अनलेस ही आर दोज अंडर होम ही क्लेम्स बी पार्टीज टू सिटिंग इन सच जजमेंट वाज गिवन। ये एक्सेप्शन है उस रूल की कि किसी भी बंदे को कोई भी कोर्ट की जजमेंट बंद नहीं कर सकती अगर वो उस केस में पार्टी नहीं था, ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 55 में जो डिस्कस हो रहा है। जजमेंट इन रेम क्या होती है? वो एक एक्सेप्शन होती है, वो बंदा उस केस में उस मामला में पार्टी नहीं होता, ठीक है, लेकिन चूंकि वो एक तयशुदा मामला हो जाता है, जजमेंट में तय हो जाता है कि ये मामला तो वो सब पे बाउंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक जगह को कोई जनरल पब्लिक रास्ता जो है ना थारोफेयर डिक्लेयर किया कर दिया जाता है तो वो सब लोगों के लिए, ये नहीं है कि वो कह जी भाई उसकी हद तक तुम ले मेरी हद तक लेके आओ, हर बंदे ने उसको साबित नहीं करना थारोफेयर है। जब एक दफा वो थारोफेयर डिक्लेयर हो गया, शहरा डिक्लेयर होगी तो वो सबके फायदे के लिए, सब उसको ये स्टेट है अपना ऐसी जजमेंट्स जो की हैं वो सबके लिए, हर एक को डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है। अगर एक गुजर सकता है उसने डिक्लेयर करवा लिया ना उसको होके तो फिर सब उसमें से फायदा उठा सकते हैं। इसी जजमेंट में एक और पॉइंट है कि आर्टिकल 55 रिस्ट्रिक्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट इन रैम टू द जजमेंट्स ऑर्डर्स और डिग्रीज रेंडर्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 55, ये भी यहां लिखा गया कि आर्टिकल 55 जजमेंट इन रैम को थोड़ा सा कंट्रोल करता है सिर्फ इन मामलों में कि प्रोबेट जुडिशियरी, एडल्टरी जुडिशियरी, मैट्रिमोनियल या इंसॉल्वेंसी जुडिशियरी, इनकी हद तक उसको कंटेन करता है यूज ऑफ जजमेंट इन रैम, ठीक है, नेमली प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडल्टरी एंड इंसॉल्वेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल मैटर्स ऑफ मैरिज, बाकी सारी जजमेंट्स में आते हैं। अब नेक्स्ट है जी, एक जजमेंट है एआई या हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जजमेंट इन रैम इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फैक्ट डिसाइडेड, जो फैक्ट डिसाइड हो गया जो जजमेंट इन रैम होगी वो उसका कंक्लूसिव प्रूफ होगी, उसको कहीं में भी साबित किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, लाके दिया जा सकता है। बात समझ आ रही है मेरी सारी चीजों? तो ये उसमें आएगी, ये जजमेंट है एआईआर 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 की। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, कब जजमेंट को फाइनलिटी हासिल हो जाती है, वो परमानेंट हो जाती है जी, 1994 एपेंडी पेज 1441 डिवीजन बेंच की जजमेंट है। नो अमाउंट ऑफ फाइनलिटी आइदर अंडर द सीसीसी का सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और अंडर द क्यूएसओ 1984 वुड बी ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस विज an application under section 12 cpc 1908 can be notified and even that limited version of penalty would be disappear once final judgment in the order was valid,
deviated from or recalled on the successful determination of proceeding followed upon the making of such application. यानी कि जो इसमें ये जो सिविल दोस्त प्रैक्टिस करते हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि जो फाइनलिटी ऑफ जजमेंट है ना, मतलब 12 लोगों की एप्लीकेशन है, उसको कोई फाइनलिटी हासिल नहीं होती है जब अगर वो ऊपर से चेंज हो जाता है या फाइनल जब जैसे इंटरनल बेल हो जाती है, फर्स्ट लोग पे तो मिल जाती है लेकिन जब जजमेंट होती है तो वो बेल में बात बात कंफर्म कर दी जाती है, बात बात वो उसे जो उसको इंटरनल रिलीफ दिया जाता है बेल का, वो कहते हैं इंटरनल बेल रिलीफ गिवन टू पिटीशनर विद ऑन बेल इसकी डिस्मिस हो गई। इसी तरह जो 12 लोगों की एप्लीकेशन है वो भी फाइनलिटी ऑफ जजमेंट उसको नहीं होती बल्कि वो किसी भी वक्त जब अगर फाइनल एट द एंड वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है AIR 1921 मद्रास पेज 284 बैच की जजमेंट है कि आर्टिकल 55 एंड 56 ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ जजमेंट एंड अ जजमेंट इन पर्सोनम, ये उसको हमने कहा। इसी तरह 52 अलावा 270 फुल बैच आर्टिकल 55 एंड 58 recognize that given the competency of a code even an error or irregularity is necessary but then the total absence of finality which would be the only alternative. Fraudulently obtained judgment है उसके वजह से 6 Bombay page 703 कि अगर धोखाधड़ी से कोई चीज को छुपा के रख के कोई चीज ले ली जाती है judgment तो उसका क्या वैल्यू है। Even strangers are bound by a judgment in them if it has been honestly obtained. If it is obtained by fraud, it can be satisfied by strangers. ये बड़ी important चीज है कि strangers अगर bound है, judgment in them है, उसमें strangers भी bound है, जो उसमें उस केस में पार्टी नहीं है, लेकिन अगर वो फ्रॉड की बुनियाद पर असर की गई या फ्रॉड की पे मुबनी है तो वो स्ट्रेंजर भी जाकर उसको चैलेंज कर सकता है, आल्दो वो उसमें पार्टी नहीं है तो वो स्ट्रेंजर भी कोई भी जाके उसको चैलेंज करके खत्म करवा सकता है। इफ इट इज अटेन्ड बाय यूनियन ऑफ बोथ द पार्टी, आजकल ऐसा भी हो सकता है ना ए और बी आपस में मिल जाए कि ना हो चलो दोनों आप ये फाइल करो मैं इस तरह कर देता हूँ हम इस पे कर लेते हैं और हमारा दोनों का ये फायदा हो जाएगा, लेकिन सी ने सोचा यार ये क्या तरीका कार है तो फ्रॉड किया है वो चला गया अपील में चला गया वो भी जा सकता है उसको जनरेट कर सकता है जिस तरीके से। इसी तरह नेक्स्ट है कंपिटेंट कोड के वाले से हमने पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें दो अलावा टू अलावा 270 फुल बेंच की जजमेंट है कि कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट डज नॉट डिपेंड ऑन लीगल डिफेक्ट और इररेगुलरिटी डिग्री, इनिशियली द कोर्ट हैड जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दस विद द हाई कोर्ट ग्रांट्स अ डिग्री निसी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द लीगल न्यूलिटी ऑफ मैरिज, द डिग्री कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वन बाय अ कोर्ट व्हिच वाज इनकॉम्पिटेंट टू ग्रांट अ डिग्री। यानी कि जब कोर्ट ने जो जुरिस्डिक्शन ली उस वक्त जब वो कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट थी, बाद में अगर किसी वजह से कोई ऐसा इशू बनता है तो वो उस कॉम्पिटेंसी की जो है आप कहें कि वो आप तो वो कॉम्पिटेंट नहीं रहे, लेकिन जब वो हुआ उस वक्त दैट वाज ही वाज कॉम्पिटेंट तो अब भी वो उसमें कोई इशू नहीं। इसी तरह फॉरेन कोर्ट्स के हवाले से एक डिस्कस है कि वर्ड कॉम्पिटेंट कोड आर नॉट कन्फाइंड टू द कोर्ट ऑफ दिस कंट्री बट मीन द कोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी भी दूसरे मुल्क की अदालत कॉम्पिटेंट कोड का ये वर्ड कॉम्पिटेंट टू पास सच जजमेंट एज इट रेफर्स टू द आर्टिकल, यानी कि कोई भी फॉरेन की कोर्ट है वो भी कॉम्पिटेंट हो सकती है। कॉम्पिटेंसी मस्ट रिलेट टू द पर्टिकुलर मैटर एआईआर 1955 बॉम्बे पेज 447। अब एक कर चुके हैं कॉम्पिटेंट कहां है कोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो तो उस पे ये जजमेंट्स है। द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट रिलेट्स टू द मैटर बिफोर इट वेयर अ मैटर रिलेटिंग टू प्रोबेट इज डिसाइडेड ऑन द कोर्ट दैट सीन कैन नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेट एंड कैन नॉट वाइंड द प्रोबेट कोर्ट, प्रोबेट कोर्ट मस्ट अप्लाई इट्स ओन माइंड एंड मस्ट सैटिस्फाई इट्स ओन कंसाइंस दैट ही विल दैट इज पुट फॉरवर्ड एज अ लास्ट विल ऑफ द डिजीज is his last will and is properly executed by him. यानी कि जरूरी है कि अगर आम कोर्ट में कोई फैसला आ गया तो वो प्रोबेट कोर्ट जो बनी है उस मामले के लिए तो वो अपना फैसला अपने तरीके से दे सकते हैं। Judgment in exercise of probate jurisdiction, judgment of probate court granting probate of a will in favour of the petitioner must be presumed to have been obtained in accordance with the procedure prescribed by law and its judgment in rem. AIR 1927 Supreme Court page 876. यानी कि जब भी कोई probate court कोई भी किसी को प्रोवाइड देती है या कोई भी मामला डिसाइड करती है तो ये समझा जाएगा कि उसने हर चीज प्रॉपरली की है। इसी तरह एग्जीक्यूशन और एक्सरसाइज ऑफ विल के हवाले से ये 6 इंडियन केसेस 912 बीएमएस की जजमेंट है कलकत्ता की, ग्रांट ऑफ प्रोवाइड बीइंग ए जजमेंट इन क्राइम द कोर्ट मस्ट बी सैटिस्फाइड बिफोर द ग्रांट इज मेड दैट द विल इज ड्यूली एग्जीक्यूटेड। इसी तरह जजमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से 1986 सीएलसी पेज 27 whenever a decree is passed by a competent court declaring a person to be the wife of another man such a judgment could not only be a judgment in rem, do bande agar unka ye meri biwi hai kata meri biwi judgment court ne decide kar diya iski biwi to wo sab ke liye fir judgment in rem hogi, theek hai। a decree of dissolution of marriage granted by a civil court is a judgment in rem pld 963 beijing page 34।
IRR 1941 Calcutta page 1 Calcutta 414 SB. If the finding is not directly about the matrimonial status of a person, it is not a judgment in them. ठीक है? Thus a finding of adultery against the correspondent adulterers in a suit for divorce by the wife against her husband is not conclusive even admissible against the adulterers in a subsequent suit for divorce against her on that ground. ठीक है? Degree of the High Court in a divorce suit made in the exercise of its matrimonial jurisdiction is the final degree declaring the status of the parties therein, a husband and wife. 1922 Allahabad 274 बेंच की जजमेंट है. फैमिली कोर्ट की जजमेंट के हवाले से बड़ी डिटेल जजमेंट अपनी है 1986 फेडरल सुप्रीम कोर्ट की है पेज 10. इफ द फैमिली कोर्ट डिसाइड अ मैट्रिमोनियल इशू इट्स जजमेंट विल बी बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द पार्टीज इन द केस बट अपॉन द होल वर्ल्ड. अगर कोई फैमिली कोर्ट फैमिली कोर्ट डिसीजन पास करती है तो सिर्फ पार्टीज के लिए वो लागू नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया को के लिए भी वो बाइंडिंग के फिर होता है. ऐसा जजमेंट वुड बी टर्म्ड एज अ जजमेंट इन रेम. और जो फैमिली कोर्ट की जजमेंट होती है डिवोर्स मामला में वो जजमेंट इन रेम होती है. बट व्हाइल डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट वुड बी एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू मेक ऑर्डर अंडर सेक्शन 448 ऑफ द सीआरपीसी एंड देयरफॉर विल बी एक्टिंग एज अ क्वासी क्रिमिनल कोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली इस जजमेंट विल बी जजमेंट इन पर्सोनम नॉट जजमेंट इन रेम. मैट्रिमोनियल मामला में जब मेंटेनेंस के वजह से कोई अगर ऑर्डर पास होता है सेक्शन 488 सीआरपीसी के तहत तो फिर वो जजमेंट इन पर्सोनम हो जाती है. वो फिर जजमेंट इन रेम उस पोर्शन के तक नहीं रहती. ठीक है? बड़ी डिटेल जजमेंट है इसमें तो क्वाइंट इसको लाजमी पड़ेगा. जजमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन के वजह से एआईआर 1965 पंजाब की जजमेंट है पेज 206 डीएमएचडी के एडजुडिकेशन ऑफ पर्सन एज इंसॉल्वेंट हैज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे फ्रॉम द पर्सन हिज लीगल आर इंसॉल्वेंट एन ऑर्डर बाय व्हिच एडजुडिकेशन इज मेड वुड दस बी क्लियरली कवर्ड बाय आर्टिकल 55. जब इंसॉल्वेंट डिक्लेअर करने के लिए कोई भी केस कोई भी जजमेंट कोई भी ऑर्डर कोई भी डिग्री पास होती है तो वो उसे लीगल उसकी लीगल एंटिटी होती है लीगल उसकी एक शनाख्त होती है वो उसे ले ली जाती है. तो जब ये हो गई तो फिर वो जजमेंट एंड रैंक कंसीडर होगी. इसी तरह AIR 1940 कलकत्ता 225 सेम इसी पॉइंट पे लुडेंसी प्रोसीडिंग के वजह से जजमेंट AIR 1933 मद्रास की है 624 पेज है कि एन ऑर्डर इन लुडेंसी प्रोसीडिंग द नॉट जजमेंट कंक्लूसिव अगेंस्ट द होल वर्ल्ड स्टिल रेलेवेंट एंड बाइंडिंग अपॉन पार्टीज देयर एंड दोज हु क्लेम अंडर देम लाइक एनी अदर जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट. तो दिस वाज ऑल आवर लेक्चर अबाउट आर्टिकल 55. आई होप कि आप लोगों को इसकी बारे में समझ आ गई होगी. अब मैं तमाम दोस्तों से एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें लोगों के साथ और इसको कहीं भी सोशल मीडिया पर शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.